फिट एंड हिट साइकिलिंग ग्रुप ने गांव बोदेवाली में स्वतंत्रता सेनानी की वीरांगना को किया सम्मानित। फिट एंड हिट साइकिलिंग ग्रुप ने गांव बोदेवाली में रविवार को स्वतंत्रता सेनानी की वीरांगना को सम्मानित किया। इस बारे जानकारी देते हुए संयोजक रविंद्र ढाका ने बताया कि ग्रुप ने निर्णय लिया है कि स्वतंत्रता दिवस के आगमन को लेकर 15 अगस्त तक टीम सदस्य गांव-गांव में साइकिलिंग रैली निकालते हुए ग्रामीणों में देश प्रेम की भावना जागृत करते हुए देश हित में कार्य करने के लिए जागरूक करेंगे। वहीं इसी दिशा में काम करते हुए रविवार को साइकिलिंग यात्रा शहीद नरेंद्र सिंह पार्क से शुरू होकर के डिंगसरा से फिर बोदेवाली में स्वतंत्रता सेनानी व आजाद हिंद फौज के सिपाही स्वर्गीय श्रीमान मग्घाराम जी मेहरिया की वीरांगना श्रीमती खेमी देवी जी को ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य 72 वर्षीय गजानंद सूबेदार कृष्ण बोदेवाली व डॉक्टर विवेक नैन द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ग्रुप के संयोजक रविंद्र ढाका ने बताया कि हमारे फिट एंड हिट साइकिलिंग ग्रुप भट्टू द्वारा ये एक नई मुहिम शुरू की गई है। जो भी अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा। यह मुहिम 15 अगस्त तक जारी रहेगी। जागरूकता रैली में शामिल सदस्यों का कृष्ण सूबेदार के घर पर भव्य स्वागत किया गया, जहां से जलपान के बाद रवाना हुए सदस्यों ने गांव महुवाड़ा में शहीद खेतपाल हुड्डा पार्क में लगी उनकी प्रतिमा को साफ किया। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खाबड़ा कला में नीम जामुन व कई अन्य पौधे लगा पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर मास्टर मांगेराम लोयल, नरेंद्र साई, पूर्व सैनिक दिनेश माचरा, मुकेश घोटड़, हवलदार सुमेर साई, फौजी विक्रम बेनीवाल, रविंद्र जोगी, विनित सिहाग, अमित, सचिन, शरीफ, विक्रम, राजमीत, संदीप सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। गांव के रढ़ान स्कूल के छात्र का जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला होने पर किया सम्मानित। किड़ान स्कूल के छात्र का जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला होने पर रविवार को उसे सम्मानित किया गया। मिली जानकारी अनुसार राजकीय प्राथमिक पाठशाला किड़ान के छात्र रोहित पुत्र सतपाल का जवाहर नवोदय विद्यालय खाराखेड़ी में दाखिला हुआ है। यह जानकारी देते हुए मास्टर राजेश बेनीवाल ने बताया कि सत्र 2022-23 के लिए छात्र के इस दाखिले होने पर स्कूल की तरफ से छात्र व अभिभावकों को बधाई दी और उन्हें सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व सत्र 2021-22 में केशव पुत्र शिषपाल का भी जवाहर नवोदय विद्यालय खाराखेड़ी में दाखिला हुआ था। दोनों बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय में सरकार की ओर से सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं, जिससे बच्चों को तरक्की का विशेष मार्ग मिलता है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में सभी स्टाफ सदस्य जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिले के लिए विशेष रूप से तैयारी करवाते हैं और अभिभावकों को भी इस तैयारी के लिए जागरूक किया जाता है, ताकि बच्चे इस टेस्ट की तैयारी के बाद मेरिट के स्थान हासिल कर सके। गांव ढांड में जहरीली वस्तु के सेवन से युवती की मौत। गांव ढांड में एक युवती की गलती से जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिससे रविवार को उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी अनुसार लड़की के पिता ढांड निवासी सतवीर ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उसकी 22 वर्षीय लड़की पिछले कई दिनों से खांसी बुखार के चलते बीमार चल रही थी। खांसी के इलाज के लिए उसे पीने के लिए दवाई दिलाई गई थी। रविवार सुबह उसने खांसी की दवाई के पास पड़ी कोई जहरीली वस्तु खांसी की दवाई समझ कर निगल ली, जिसे अग्रवा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पिता के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है।